यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से प्लस 2 तक के सभी विषयों में कमजोर विद्यार्थियों को अब पढ़ाने के तरीके में बदलाव किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वो विषयों के मुताबिक कमजोर बच्चों की ग्रेडिंग कर नए और आसान तरीकों से उन्हें पढ़ाई करवाएं। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए विभाग की ओर से अलग स्टडी मटीरियल भी तैयार किया गया है, जिसे सभी स्कूलों में भेज दिया गया है और इसके लिए बाकायदा अध्यापकों का भी टारगेट तय किया जाएगा। उनका टारगेट तय होगा और साल भर में कार्य नहीं करने वाले शिक्षकों की जवाब तलवी भी होगी। शिक्षा विभाग ने कदम सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को बढ़ाने के लिए उठाने के लिए किया। जिला कुल्लू में हमने एक नए प्रयास शुरू किए, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे स्कूलों के अंदर बच्चे आते हैं, चाहे वो छठी से लेकर प्लस टू तक हों, उन सभी का एक टारगेट हम सेट करें। तो जो कुछ बच्चे जिनमें कोई मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक टारगेट सेट करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। टारगेट को रिवाइज करके और ऊंचा टारगेट लेने के लिए हम प्रेरित करेंगे। अगर नहीं करता है तो हम देखेंगे कि उस बच्चे में क्या कमियाँ रह गई हैं, जिसके वजह से वो बच्चा आगे नहीं आ पाया, वो अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाया।